ये कैप्टन जो है इसे कैप्टन की सूझबूझ भी होना चाहिए। शिदाब अच्छा कैप्टन हो सकता है, रिजवान अच्छा बैट्समैन है, मगर वो कैप्टन अच्छा मुश्किल से बैट्समैन अच्छा है। हमारी टीम में ऑलराउंडर कोई है ही नहीं इस वक्त, रजाक के जाने के बाद कोई अच्छा ऑलराउंडर आया ही नहीं, वरना ऑलराउंडर जो बेस्ट कैप्टन होता है या फिर वो विकेट कीपर जो है ये भी अच्छा कैप्टन होता है, अच्छा बैट्समैन भी। पाकिस्तान में ये जो है बाबर आजम अच्छा बैट्समैन है, मगर ये कैप्टन अच्छा नहीं है, ये सारी दुनिया जानती है, हम भी जानते हैं। मगर देखें, कैप्टन को नहीं चाहिए कि वो टीम में अपनी मर्जी के खिलाड़ी खिलाए, अपने दोस्तों को खिलाए, या कोई रिश्वत लेके, कोई पैसे लेकर या ना कुछ भी ले देकर ये टीम में नहीं रखना चाहिए, ना आना किसी को चाहिए। ये चेयरमैन क्या कर रहा है ऊपर बैठ के, ये भी खाता है पैसे, ये बाबर आजम भी खाता है, वो भी खाता है, सारे खाते हैं बैच जो, मगर इन्हें चाहिए कि शर्म करनी चाहिए, अकल करनी चाहिए। जहाँ इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है वहां तो बिल्कुल इन्हें अच्छे तरीके से खेलना चाहिए और सच्चे दिल जज्बे के साथ खेलना चाहिए। देखें हमारे बैट्समैन जो हैं वो किसी भी तरह मुश्किल से 160 स्कोर इन्होंने किया, अच्छी टाइमिंग नहीं की, प्लेसमेंट नहीं की, अच्छी टाइमिंग नहीं की, गैप में नहीं खेलते, मगर फिर भी 160 हो गया ना, तो फिर बॉलरों को भी चाहिए था। अभी बॉलरों की तरफ आते हैं, बॉलर जो इन्होंने खिलाए, ये शहीन फरीदी अनफिट है, ये 100% नहीं है, अगर है भी तो इसने पहले एक दो मैच यानी कि नॉर्मल इजी टीम जो है उनके खिलाफ देते हैं, फिर देखते हैं ये रिदम में आता है कि नहीं आता। आज वो बिल्कुल रिदम में नहीं था, स्पीड बॉलिंग बहुत कम थी, 131 ये कुछ स्पीड है, उसे खुद चाहिए था कि अभी मैं इंडिया के खिलाफ खेलने के लिए तैयार नहीं हूँ, आप किसी और को खिलाएं। तो देखें मोहम्मद हुसैन या कोई और बॉलर होता तो आज पाकिस्तान जीत भी जाता, एक ये भी वजह है, इतनी वजह ज्यादा। और दूसरा देखें कैप्टन का काम देखें, लास्ट में स्पिन को जिसके मार पड़ी उसे 16 स्कोर चाहिए तो उसको ओवर दे दिया, आप इफ्तिखार को ओवर दे लेते हैं, क्योंकि इसको स्कोर पड़ ही जाना था रिजवान को, ये कोई प्रॉपर बॉलर नहीं है। शर्म करो यार, कुछ ख्याल करो, जीता हुआ मैच हार जाते हो, शर्म करो, एशिया कप में भी आप ऐसे ही हारे थे, शर्म आनी नहीं ना, क्या करें।